मैं सोनिया खानागर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि खाना दिलसे के 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया और अपने सपोर्ट को ऐसे ही बनाए रखना। तो आज हम खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए सूजी रवा केक बनाने जा रहे हैं और इस दिन को मैं अपने फैमिली के संग सेलिब्रेट करूँगी। सूजी केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1.5 कप सूजी। सूजी को हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 कप दही, 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, पिसी इलायची का पाउडर, 1/2 कप चेरी जिसमें हमने हरी और लाल रंग की ली है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए केक को बनाना शुरू करते हैं। केक को बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है। बाउल में हमने 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड के साथ हम दही भी डाल देंगे। दोनों चीज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही के साथ हम पिसी हुई चीनी का पाउडर भी डाल देंगे। अब हम तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई सूजी भी डाल देंगे। सूजी को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, इससे कि सूजी अच्छे से फ्लफी हो जाएगी। 10 मिनट के लिए हम रख देंगे सूजी को। सूजी को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख लिया है और जब तक हमारी सूजी फ्लफी होगी तब तक हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट लेते हैं। सारे काजू को हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसी तरीके से बादाम को भी कटिंग कर लेते हैं। हमने सारे काजू बादाम को काट लिया है और सूजी को भी रेस्ट पे रख दिया है। तब तक जिस बर्तन में हमने केक बनाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं और जिस बर्तन में केक को रखना है उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। अच्छे से हम ब्रश से इसमें घी लगा देंगे। घी ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। ऊपर नीचे पूरे अच्छे से लगा देंगे। ग्रीस लगाने से जब हमारा केक निकलेगा तो बहुत ही फिनिशिंग से निकलता है और केक टूटता भी नहीं है और केक की फिनिशिंग बनी रहती है। मोल्ड में हमने घी लगा दिया है। ऊपर से हम इसके अंदर बटर पेपर रख देंगे। मोल्ड हमने रेडी कर लिया है। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम सूजी को चेक कर लेते हैं। सूजी अच्छे से फ्लफी हो गई है और कितनी क्रीमी सी लग रही है। अच्छे से एक बार और सारा दूध सूजी में अच्छे से मिक्स हो गया है और सूजी एकदम क्रीमी सी तैयार हो गई है। देखो कितनी बढ़िया सूजी हो गई है। अब हम सूजी में इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से हम बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए, किशमिश,
थोड़ी सी चेरी, थोड़ी सी बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम सूजी के अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें सूजी को बहुत अच्छे से घुमा घुमा कर फेंटना है। अब हम बैटर को मोल्ड में डालेंगे। सारे बैटर को हमने मोल्ड में डाल दिया है। थोड़ा सा हम टैप कर देंगे जिससे कि इसके अंदर कोई एयर का बबल्स होगा वो निकल जाएगा। अब ऊपर से हम चेरी डालेंगे, बचे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। से हमारा केक भी फूलेगा नहीं। कुकर में नमक अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम मोल्ड को कुकर में रख देंगे। और गैस को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और हम ढक्कन लगाकर कर हम कुकर को स्लो गैस पर 30 मिनट तक रखे रहने देंगे। और 15 मिनट पहले हम कुकर को बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि जो केक का फूलना होगा वो उस बीच में अच्छे से फूल जाएगा। अगर हम उससे पहले केक को खोल देंगे कुकर अगर हम उससे पहले हम कुकर को खोल देंगे तो केक हमारा नीचे बैठ जाएगा। तो हमें 10-15 मिनट बाद ही हमें कुकर का ढक्कन खोलना है। तब तक हम वेट करते हैं। देखिए कितना बढ़िया केक बनकर तैयार हो गया है, कितना डिलीशियस लग रहा है। चलिए हम अपनी फैमिली के साथ केक की कटिंग कर लेते हैं। आप 2000 में करते हैं। जब 2000 सब्सक्राइबर जाएंगे।